प्रदेश के लोगों के पास आया। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 में मैं विधायक था, जैसे आज भी विधायक हूं, 2004 में भी मैं विधायक था। और सवाल चुनाव आ गए, लोकसभा आ गए, तो मेरे को कहा गया, फैसला किया हमने लोकसभा का चुनाव करने का, रोहतक का। तो मैं हालांकि एमपी बनने का सवाल नहीं था, तीन बार पहले रह लिया था उससे एमपी, तीन बार पहले रहते पर। तो बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा था उसने कि आप विधायक हो और फिर सांसद के चुनाव हो रहे, क्या कारण है। मैं एक बात कही थी उसमें, और वही आज बात है। मैं कहा भाई, हरियाणा की राजनीति करोड़ बदल रही है, मैं सांसद बन रहा हूँ, मैं यहाँ रोहतक से चल के दिल्ली जाके मेरा लक्ष्य चंडीगढ़। तो आज 15 साल के बाद वो नहीं है, फिर से मैं विधायक हूँ। पूछ सकते हैं कि सांसद का चुनाव क्यों लड़ रहे भाई, जबकि रोहतक से सांसद मेरा पुत्र ही है, दोनों को लड़ने एक आदमी सोच सकता है। तो आप पूछते हुए सांसद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा वो 15 साल वाली बात है भाई। पहले तो मैं कह रहा था रोहतक से दिल्ली, चंडीगढ़ वाया दिल्ली, और आपके भाई मेरा मन है मैं जींद से चलूं सोनीपत और दिल्ली और फिर चंडीगढ़ पहुंचूं। मैं कई बार सुनता हूं, कई बार जींद में काम कम हुए, ठीक बात है, ये ठीक बात है कि आप 2005 से पहले और 2005 के बाद कोई काम बता दो जो हुआ जींद में। हाँ, हमारे समय में हुआ, मैं गिनाता नहीं हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, आपका रेलवे लाइन, आरओबी और आपका महिला कॉलेज, स्टेडियम, हाँ मतलब कितने ही गिरा सकते हो आप, जीन सोनीपत रेलवे लाइन। और यहाँ पर मैंने फैसला किया था इंडस्ट्रियल लाने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, इस सरकार ने ठप कर दिया। 5 साल इस सरकार में होगी, मतलब सफीदा में कॉलेज, जुलाना में कॉलेज, मंडी, मतलब दरवाना में पॉलिटेक्निक, आईआईटी, कोई भी काम करो आप देख लो 2005 से पहले कोई हुआ नहीं, और 2014 के बाद कोई काम हुआ, 5 साल इनके हो गए। मेरा खुला सवाल है, एक काम बता दे, ये कोई यूनिवर्सिटी लेके आए हो, कॉलेज लेके आए हो, एक मेडिकल कॉलेज का नाम दिया, अस्पताल तो हमने बनाया हुआ था, चार दीवारी बना के गायब हो गए। 5-5 साल लगते मेडिकल कॉलेज बनाने में, घबरा करते हैं, लेकिन जो काम हुआ में गिनाने की बात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले हुआ नहीं बाद में हुआ नहीं, जिनमें अभी बहुत काम की जरूरत। और यही कारण है कि मैं जब मुख्यमंत्री था, भाई देखो मेरी माँ का दादा यही गाँव जींद का, मेरी माँ डूंदो खाड़ी है, तो मैंने जींद जो विकास हो तो आप पूरे हरियाणा में देख लो, और किसे जिले को 3 मंत्री नहीं थे जब मैं मुख्यमंत्री था, जींद के 3-3 मंत्री, 3-3 मंत्री उनके हाथ में बाकी रोते रखे थे, मानस उनके हाथ में देख रखा था। लेकिन अब राजनीतिक करवट ले रही है भाई, मैं सेवा करना चाहता हूँ जिंदगी, और इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट प्रमाण माना बन गया, माँ की भूमिका का कर्जा तो उतारना है। ये आपके सामने, और इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरत नहीं, जींद की भूमि का आशीर्वाद, राजनीति जितने हुए हैं, जितनी संघर्ष हुए हैं, संघर्ष की भूमि है ये, पर मेरा भी संघर्ष यहीं से शुरुआत है, यहीं से आशीर्वाद मिला था, जब मैं पंचकूला से लेकर जींद तक पदयात्रा में आया था, आपको याद होगा। और फिर जब यहाँ कंडेला में
किसानों को गोलियों से उड़ाया जा रहा था, तो भाई आके यहाँ आके मैंने अपनी छाती अड़ाई थी उसे और यहाँ से पद यात्रा शुरू करके दिल्ली पहुंचे थे। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, 2005 में आपकी मेहरबानी से मेरे को सेवा का मौका मिला और मैं मुख्यमंत्री बना, तो सबसे पहला जलसा भी मैंने जीत में किया था। याद होगा आपको, सोनिया गांधी जी आई थी याद, और उस समय मैंने थोड़े से दिन में थे तो मैंने कहा जीत में जलसा रख दिया। तो यहाँ मैंने देखा था जब पदयात्रा में जा रहा था मैं, तो बहुत सारे मेरे बुजुर्ग मेरे को मिले थे और उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई ये जो कंडेला में जैसे जैसे गोली चली एक बिजली का कारण था, बिजली के बिलों का कारण था। तो रास्ते में उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, तो बेटा बुजुर्ग हमारे बिजली के इतने बिल हुए हैं कि अब अपनी धरती भी ज्यादा बांट नहीं सकते, ये कारण मैंने वादा नहीं किया था लेकिन मेरे दिल में बैठी थी। और जब मौका मिला तो यहाँ जलसा रखा, तो मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई मैं बिजली के बिल माफ करना चाहता हूँ किसानों के। अफसरों की आपको मालूम आदत है, टांगड़ा ना के ये लीजिए ये ना के, कुल प्रदेश का 2200 करोड़ रुपए का वो बजट है, उसमें से 1600 करोड़ रुपए कर दिया है, क्या होगा तो अभी क्या होगा वो मैं देखूंगा, मैं तो ये माफ करूंगा। और यहाँ 1600 करोड़ बिजली के बिल एक कलम में माफ किए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेरे को एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया किसानों के बारे में भी कि आमदनी कैसे बढ़े, गरीब आदमी कैसे बढ़े। तो उस समय मैंने देखा कि किसान के ऊपर ब्याज बहुत, फसल ऋण का ब्याज हरियाणा में 0 और पूरे देश में 4% बनाया हमने, और वायदा किया था हमने किसान से कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान को स्वामीनाथन फार्मूले में भाव देंगे सीबीयू पर। हमारी सरकार नहीं बनी लेकिन वो वायदा आपके यूं का यूं हमने अपने राहुल गांधी जी की स्वीकृति लेकर घोषणा पत्र में डाला है कि हम क्या करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, खाली कर्जा माफ नहीं, किसान को कर्जा माफ करके कर्जा मुक्ति कर देगी जाएगी ताकि उसकी जरूरत ना पड़े, और स्वामीनाथन फार्मूला देंगे ताकि अगले जरूरत न हो। गरीब आदमी का आपने देखा कि सरकार ने 5 साल हो गए, हमने अपने समय में 3,82,000 करोड़ दिए, इस सरकार को 5 साल हो गए कहीं एक इंच जमीन दिए तो बता दे गरीब आदमी, जो उनके बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो खत्म कर दी, दाल रोटी की स्कीम कराई थी हमने वो खत्म कर दी। हर हिसाब से व्यापारी है, व्यापारी कह रहा है कभी नोटबंदी कभी जीएसटी, हमारे मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कर्मचारी सड़कों में बैठे रहते हैं, कानून व्यवस्था की कोई बात ही नहीं, ऐसा लगता सरकारी कोई नहीं, रोड बलात्कार रोड मर्डर कोई डर नहीं, बहुत खौफ सुबह पेट्रोल पंप टूट कर ले जाएंगे खुलेआम, ये स्थिति है। टैक्स की बात, हमारे समय में किसान पर खाद पर कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पर कोई टैक्स नहीं था, और जो किसान डीजल देता है हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल हम देते हैं, सबसे सस्ता। आज क्या है, आज खाद पर भी टैक्स, कीटनाशक दवाई पर भी टैक्स, ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी टैक्स, और डीजल पे वेट दुगना कर दिया। फिर भाई लागत बढ़ा दी किसान की और आमदनी घटा दी, इसी वास्ते कर्जे में डूब गया, और इसी वास्ते हम कह रहे हैं कि पहला काम किसान कर्जा माफ करेंगे और वहां से लेकर कर्ज मुक्त ले जाएंगे। देखिए बड़ी आप सब यहाँ मेरे किसान भाई भी हैं,
किसान से किसान खुशहाल होगा तो सारा वर्ग खुशहाल हो गए, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा कोई वर्ग खुशहाल नहीं हो सकता। मैं कोई 9 महीने हो गए मुझे आलू की फसल आई, अपने यहाँ सबसे ज्यादा आलू कुरुक्षेत्र में होता, पीपली एक मंडी है वहां पे मैं गया तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या देखा मैंने, एक किसान 9 पैसे किलो अपना आलू बेच के गया, 9 पैसे किलो। तो कहते ये हैं कि हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो 9 पैसे के 18 पैसे दिला दो ये हो जाएगी तुम, ऐसे थोड़ी होती है। स्वामीनाथन फार्मूला लागू करो, लागत जितनी है किसान की वो लागत सारी लगाकर 50% उसको मुनाफा दो, तो किसान को लाभ हो सकता है, किसान नहीं बच सकता है। इसी प्रकार टमाटर आया, जब आप जब उसके चश्मदीन हुआ हो, किसानों ने अपने टमाटर सड़कों में फेंके। इसी प्रकार गर्दा करने की पेमेंट नहीं मिलती, कर गए हमारे समय में कभी पेमेंट होने नहीं हुई। और जो भाई पॉपुलर होते हैं, हमारे समय 1200-1300 रुपए क्विंटल पॉपुलर गया, तब क्या बढ़ा भाई 200-250। लेकिन नीति की बात बता रहा हूं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार की नीति ठीक नहीं है। अरे किसान का आलू तो फिट गया, चिप्स सस्ती नहीं हुई, किसान का टमाटर तो फिट गया, सॉस सस्ता नहीं हुआ, किसान का गन्ना तो फिट गया, चीनी सस्ती नहीं, अरे किसान का पापड़ तो फिट गया, प्लाईवुड सस्ता नहीं हुआ, ये किसको लाभ हुआ, बड़े बड़े धनाढ्यों को। जब हम कहते हैं कि कर्जा किसान का माफ करो, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन देश के जब 10 बड़े धनाढ्य उनके पास जाते हैं तो उनका एक कर्ज 2.5 लाख करोड़ सरकार ने माफ किया, बस केवल 10 रुपए को दियो का 2.5 लाख करोड़, पर किसान के पास के लिए 1 पैसा नहीं। तो मैं तो भाई एक बात कह सकता हूँ आपको, हमारे बुजुर्ग कह गए, किसी का भी नाम लो आप, जो किसानों के दिनों में आवाज उठाई, उन सब में हमारे बुजुर्ग कह गए, और आज मैं कह के जा रहा हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तौर पे कभी भी किसान मजदूर हितैषी पार्टी नहीं हो सकती है, कभी नीति नहीं बनाएगी दोबारा। तो आज ये ऐतिहासिक फैसले होने, पर हरियाणा की जो राजनीति भाई करोड़ ले रही है, देखो आपके आशीर्वाद से मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, जींद से मेरे को विशेष लगाव है, पहले तो इनडायरेक्ट रहा था, भाई बंदर मेरे तरीके में मंत्री बना दिए, कोई मांग लेकर आ गया वो मंजूर कर दी, ठीक पे तो सरकार में सीधा साझा करना चाहता हूँ, तुम्हारा नुमाइंदा बन गए, तुम्हारा नुमाइंदा बन गए। और इस वास्ते जब ये राज्यसभा में चुना है, अक्टूबर में चुनाव हो गए देख लेना, आज कह के जा रहा हूँ नतीजा वही होगा, जींद से चलकर सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचना है, जिंदगी हिस्सा करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बात मैं कह रहा हूं कि बहुत लेट फैसला हुआ है, बहुत कम समय है मेरे पास, मजबूरी है, केवल हरियाणा हरियाणा और यहाँ जाना होता तो फिर भी मैं करता, मेरे को राजस्थान में जाना है, मैं परसों मथुरा मंडा जी की पोती के रूप में गया था, राजस्थान में बहुत सारे किसान और हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी जाना है, एक आधा यूपी भी जाना पड़ जाता है। तो भाई ये चुनाव है, दिन है कम, मैं यहाँ से मेरा निवेदन है सभी साथियों से, भाई सारे मेरा गांव में नहीं मैं पहुंच सकता हूँ, तो मैं एक बात कहता हूँ, तो एक दिन में पहुंच नहीं सकता हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हर गांव में धन्यवाद करने में जरूर पहुंच दूंगा, हर गांव में आपके बीच आऊंगा। और एक बात सुनो भाई, अलग अलग गाँव की अपनी कमेटी बनाओ, मैं ना पहुंचू, हर आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच के घर में जाओ तो कहने आया हूँ, और जो मेरे साथी नेता बैठे हैं स्टेज पर,
भाई एक हल्के में बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, कई उम्मीदवार भी होते हैं, तो हम सबसे मेरा एक ही निवेदन है भाई पहला एमपी बना लो, एमएलए पास बन जाइयो, पहला जो अच्छा काम करेगा वो अच्छे का, और जो इन पार्टियों ने आज ज्वाइन करा साथियों ने, प्रदीप ने और भाई रविंद्र राणा ने और सभी साथियों ने, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और पार्टी में पूरा उनको मान सम्मान मिलेगा, और यहाँ पर प्रदीप और सभी जवान साथियों भाई मैं चुनाव हारे भरोसे छोड़ने जा रहा हूँ, जो कोशिश नहीं करूंगा पहुंचने के लिए, लेकिन ना भी पहुंचू तो मेरी हाजिरी याद लगानी है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना दफ्तर खुल जाएंगे, बुलाना भी खुल जाएगा, जीत का यहाँ पर है तो फिर भी खुल जाएगा, बस जितने कार्यकर्ता अपने नाम नंबर अपना अपने गांव के कार्यकर्ताओं का नाम दफ्तर में लिखा के जाओगे, ताकि पोलिंग वाले दिन कौन कौन वहां मेहनत करेगा ये दफ्तर में लिखा के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।